सीआरपीएफ की भर्ती में हुए हैं बहुत सारे अमेंडमेंट, उम्र की सीमा में क्या अमेंडमेंट हुआ है, लास्ट डेट में क्या अमेंडमेंट हुआ है, उन सारे संशोधनों को हम लोग एक एक करके जानेंगे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी 27 मार्च को आई थी, यानी कि जिसका फॉर्म भरने की डेट थी शुरुआत की 27 मार्च, 27 मार्च से इस वैकेंसी के फॉर्म भरे जाने शुरू हुए थे और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 14 से लेकर 21 मार्च तक की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका नोटिफिकेशन आया था, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया था 14 से 21 मार्च की, बल्कि 8 से 14 मार्च वाली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसका जो है नोटिफिकेशन आया था। अब उसमें कई सारे भर्ती में बदलाव किए गए। ये बदलाव क्यों किए गए हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये रिट लगाई थी कि सर एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक, तो अब उन्हीं चीज़ों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिट संख्या दी है, रिट संख्या से हम लोग ये समझेंगे कि क्या क्या कब कब हुआ था। जो इसका नोटिफिकेशन 18 से 24 मार्च के बीच में पब्लिश हुआ था, कहां से कहां, 18 से 24 मार्च वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, उसी में क्या किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। बाकी सारी चीजें जो होंगी बदलाव के अलावा, वो सारी की सारी चीजें इस 18 से 24 मार्च के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अनुसार ही मान्य होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको समझना है और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको भी फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सभी सीआरपीएफ का फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर यह बोला गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये अमेंडमेंट करने का आदेश दिया है, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि इसमें जो बदलाव किए जाएंगे वो सारे के सारे बदलाव अपर एज लिमिट में होंगे फॉर द ऑल कैटेगरी, सभी कम्युनिटी को, सभी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया है, ऑफ ऑल कैंडिडेट एज अ वन टाइम मेजर, सिर्फ एक बार के लिए। ठीक है, टू द कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द कॉन्स्टेबल, जो बच्चे कॉन्स्टेबल में टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए 2023 में भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग पैराज ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट डेटेड फ्रॉम 15 मार्च, 15 मार्च 2023 को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उसमें, और ये एम्प्लॉयमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो कब से कब तक, 18 से 24 मार्च के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आया था, उसमें आपको क्या क्या संशोधन मिलने वाले हैं जरा देखिएगा। सबसे पहला जो संशोधन मिलेगा वो मिलेगा उस अखबार के एडवर्टाइजमेंट जिसमें पब्लिश हुआ था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, उसके पैरा नंबर 1 में जो एडवर्टाइजमेंट का था उसमें एक संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया, फॉर द लास्ट डेट, अंतिम तिथि के लिए, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द ऑनलाइन फी पेमेंट। पहले ये अंतिम तिथि 25 अप्रैल की थी, लेकिन अब इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 2 मई तक का कर दिया गया। ये सबसे पहला अमेंडमेंट है और ये आपको पैरा नंबर 1 में उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरे पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो संशोधन किया गया है वो पैरा नंबर 6 में किया गया और ये संशोधन एज लिमिट को लेकर है। इसको आप बहुत ध्यान से समझना, सभी कैटेगरी वाले बच्चे। कांस्टेबल में जिन बच्चों ने ड्राइवर के लिए फॉर्म भरा था उनकी एज पहले 21 से 27 वर्ष की थी, कब, 1/8/2023 को, 1 अगस्त 2023 को बालक 21 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इन दो डेट्स के बीच में। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, इसकी एज लिमिट को, अपर एज लिमिट को बढ़ाकर 21 से 30 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि अगर अब आप 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2002 तक के बीच में अगर आपका बर्थडे है, पैदाइश है, तो अब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 3 साल की अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया है। अगले संशोधन की तरफ बात करते हैं तो अगला संशोधन अन्य पोस्टों के लिए है, जिसमें कांस्टेबल की MMV, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इनकी उम्र पहले 18 से 23 वर्ष थी और ये तिथियां थी जिससे इनकी उम्र का एक गणना की जाएगी, गणना की जानी थी, लेकिन अब इन सभी की उम्र को 18 वर्ष से 26 वर्ष तक का कर दिया गया, यानी यहाँ पे भी इन पदों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है।
और अब उम्र की गणना जिन तिथियों के मध्य में की जाने हैं वो ये तिथियां दी हैं। अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के मध्य में हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए सीआरपीएफ का कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 2 मई तक। तीसरे संशोधन को देखते हैं तो तीसरा संशोधन पैरा नंबर 9.3 में किया गया। ये संशोधन क्या है? द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशन फ्रॉम द 27 मार्च सुबह 10 बजे से लेकर 25 अप्रैल शाम को 11:55 तक का था। ये पहले की तिथि थी, लेकिन अब क्या है, ये 27 मार्च से फॉर्म भरने की जो आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि थी, अब ये 2 मई को रात में 23:55 का मतलब 11:55 तक ये ऑपरेशन होते रहेंगे, ये पोर्टल काम करेगा। तो यानी लास्ट तिथि कितनी हो गई, लास्ट डेट क्या हो गई है? 2 मई। अगले संशोधन की बात करते हैं तो अगला संशोधन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे वो इसका पॉइंट नंबर कौन सा था, ये इसका पॉइंट नंबर 9.3 था, तो इसी में अब दूसरा पॉइंट क्या है ये भी बहुत ध्यान से समझना है। बिसाइड इन द लाइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ MHA वाइड ID नंबर दिस डेटेड फ्रॉम 22/10/2022 एंड MID नंबर दिस डेटेड फ्रॉम 17 जनवरी 2023 से वैकेंसी ऑफ ग्रुप सी, ध्यान से समझिएगा, वैकेंसी ऑफ ग्रुप सी नॉन गैजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट दैट इज CT ड्राफ्ट, कौन कौन सी पोस्ट की बात कर रहा है? ड्राफ्टरी की कर रहा है, प्यून की कर रहा है, फराश की कर रहा है और सफाई कर्मचारी की पोस्ट की बात कर रहा है। अप टू 31/12/2023 तक इनकी वैकेंसी निकालनी थी। एज मेंशन बिलो आर ऑल्सो बींग इंक्लूडेड इन अवर एडवर्टीजमेंट डेटेड फ्रॉम 15 जनवरी फॉर फिलिंग अप वन ऑल इंडियाज बेसिस। इन वैकेंसी को जिनकी जिसको 15 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन वाले उसमें डाला गया था वो वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। ध्यान से समझना है आपको, ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो पे लेवल 3 की है और सभी की सभी कांस्टेबल की है। पहले कांस्टेबल की वैकेंसी की जो पद बार होगा, जो डेजिग्नेशन होगा, वो डाफ्टरी का होगा, दूसरा कांस्टेबल प्यून का होगा, तीसरा कांस्टेबल फरास का होगा, चौथा कांस्टेबल सफाई कर्मचारी और मिनिस्ट्रियल का होगा। इसमें कौन से कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है यह भी आपको यहां पर लिखा गया है कि UR की कितनी है, OBC की कितनी है, EWS, SC, ST की कितनी है और टोटल कितनी है। जैसे अगर बात करें कांस्टेबल डाफ्टरी में टोटल जनरल की वैकेंसी है 32, EWS 8 है, OBC 22 है, SC 12 है, ST 6 है और टोटल 80 वैकेंसी है। इसी तरीके प्यून फरास और सफाई कर्मचारी की कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये एक अमेंडमेंट है। अगले के पॉइंट पर अगर हम चल लेते हैं तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर एज लिमिट की क्या बात कही गई, और एक ये जो नोट पॉइंट लिखा गया है इस नोट पॉइंट का बहुत मतलब है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर द एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM, यानी 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी जाएंगी। इफ सुटेबल ESM कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर सुटेबल ESM कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं देन द वैकेंसी रिजर्व फॉर द ESM, जो वैकेंसी ESM के यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है विल बी फिल्ड बाई नॉन ESM कैंडिडेट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। वही वैकेंसी उस कैटेगरी के नॉन ESM कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएंगी अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में ESM की जो एक्स सर्विसमैन की जो भर्ती है उनकी संख्या मान लीजिए 5 है, अब अगर इनमें से केवल 3 व्यक्ति ही आए और 2 वैकेंसी खाली है तो ये 2 वैकेंसी जो है ये जनरल कैटेगरी के द्वारा ही भरी जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एज और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में चर्चा की गई है, आपको इसको ध्यान से समझना है। क्वालिफिकेशन एज द अंडर, ये एज के विषय में बात की गई है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के विषय में बात की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है? मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन 2/5/2023 को, यानी आपका मैट्रिकुलेशन जिसको हाई स्कूल के नाम से जानते हैं 2 मई 2023 को ये हाई स्कूल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से। ठीक है, एज की बात तो एज यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझनी है, 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और बाकी डिटेल आपको लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, जिसमें अगर कुछ अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो अमेंडमेंट हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर PET या PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हो, फिर एक ट्रेड टेस्ट होगा, फिर DV होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। अब यहाँ पर संशोधन क्या है इसको समझ लीजिएगा।
जितने भी मेल कैंडिडेट है एक्सेप्ट दोज लिस्टेड ऑफ S1 नंबर एंड S1 का नंबर जो है वो 2 और इसके अलावा है, उनके लिए, एक्सेप्ट का मतलब है कि अलावा, उनके लिए जो हाइट है ना वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये सुधार हुआ है, ये बदलाव हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट पर बात करता हूं तो कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली जो है, जो कुमायूं है, जो गोरखा है, जो डोगरा है, जो मराठा है, एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, जो व्यक्ति सिक्किम से अप्लाई करेगा, नागालैंड से करेगा, अरुणाचल प्रदेश से करेगा, मणिपुर से करेगा, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मेघालय से, असम से, हिमाचल प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से करेगा या फिर जम्मू कश्मीर से, उनके लिए जो हाइट है वो 162.5 है और चेस्ट अनएक्सपेंडेड इतना है, एक्सपेंडेड इतना होना चाहिए। तीसरा, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, जितने भी बच्चे ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट की जो सीमा रखी गई वो 162.5 रखी गई है। अनएक्सपेंडेड चेस्ट की लंबाई 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 हो जाएगी। अगर आगे बात करते हैं, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट एस नंबर, सीरियल नंबर, एस नंबर का मतलब सीरियल नंबर 5 और 6 में, उन सभी महिला जो कि इन सीरियल नंबर 5वें और 6ठे के अलावा हैं, उनके लिए हाइट की सीमा 155 सेंटीमीटर ही रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको समझना है, जो भी फीमेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और अगर वो गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा और इन राज्यों से हैं, तो उन राज्यों के लिए महिलाओं की जो हाइट की सीमा रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 150 सेंटीमीटर की रखी गई। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, जितनी भी महिला एस्पिरेंट जो कि शेड्यूल ट्राइब से है उनके लिए भी उम्र हाइट की सीमा जो रखी गई वो मात्र 150 सेंटीमीटर रखी गई है। ये कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, ठीक है। और एक क्या बदलाव रखा है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET की बात करें तो मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू कंप्लीट 1 माइल रेस इन 10 मिनट, फॉर द फीमेल कैंडिडेट 1 माइल रेस इन 12 मिनट। ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है और वो कहीं से भी बिलोंग हो, सभी पुरुष एस्पिरेंट को 1 मील की रेस 10 मिनट में पूरी करनी होगी और सभी महिलाओं को 1 मील की रेस को पूरा करने के लिए 12 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट में ये जो लिखा हुआ है इसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राफ्टरी में किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, ये आपको लिखा है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपका काम क्या होगा, ये पहले ही साफ साफ बता दिया गया है। कांस्टेबल प्यून के लिए आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, काम क्या होगा, ये इसीलिए पहले से, इसीलिए ये अमेंडमेंट आपके सामने रखा गया है कि आपको आपकी जॉब प्रोफाइल भी पता हो कांस्टेबल की। ये अब यहां पर बात करते हैं द डिटेल टर्म ऑफ कंडीशन एंड द अदर एलिजिबिलिटी, पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी जो सभी शर्तों की होगी और दूसरी योग्यताओं की होगी। एम्प्लॉयमेंट न्यूज 18 से 24 मार्च 2023, उसमें आपको ये पब्लिश्ड की गई थी, बाकी सारी इन चीजों का जिसमें संशोधन किया गया है, इसके बाद सारी की सारी चीजें 18 से 24 मार्च का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें लिखी हुई सभी जानकारियों के अनुसार ही आपको फॉर्म का अप्लाई करना है और उसको चीजों को समझना। तो ये CRPF के द्वारा, ये DIG रिक्रूटमेंट के द्वारा ये आपको नोटिस अमेंडमेंट बताया गया। तो ये एक ऐसा नोटिस था कि जब सभी बच्चे CRPF का फॉर्म भर रहे हों, वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी उससे हो, उन सभी बच्चों को इन नए अमेंडमेंट के तहत, जो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी पहले 28 अप्रैल थी, अब उसको बढ़ाकर मोटे तौर पर अगर बोला जाए तो 2 मई कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें जो अन्य स्टेट से संबंधित हैं वो इसमें लिखी हुई है और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको 18 से 24 मार्च का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। धन्यवाद।